हेलो एंड वेलकम बैक फ्रेंड्स, हिंदी बर्ड चैनल के एक और नए वीडियो में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि आप ऑनलाइन घर बैठे अपने मोबाइल से आय प्रमाण पत्र कैसे बना सकते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, अगर आपके पास कंप्यूटर नहीं है तो आप आसानी से अपने मोबाइल से ही मात्र 10 रुपए में घर बैठे ऑनलाइन आय प्रमाण पत्र बना सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, हम ये प्रोसेस लाइव आपको आपके मोबाइल से करके दिखाने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप भी ये जानना चाहते हैं और 10 रुपए में अपना आय प्रमाण पत्र बनवाना चाहते हैं, तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक का देखते रहिए। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने इस वीडियो को अभी तक लाइक और शेयर नहीं किया है तो लाइक भी कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए, और साथ ही साथ अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस तरीके की वीडियो देखने के लिए इस हिंदी बर्ड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। और दोस्तों, साथ ही साथ अगर आपने बेल के आइकन को नहीं दबाया है तो बेल के आइकन को भी दबा लीजिए, इससे क्या आने वाले सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। सो जैसे कि फ्रेंड्स आप देख सकते हैं, आपको आय प्रमाण पत्र अपने मोबाइल से बनाने के लिए सबसे पहले अपने मोबाइल के ऊपर आना है। तो देखिए, हम आ चुके हैं यहाँ पे। आपको अपने मोबाइल में एक ब्राउजर को ओपन कर लेना है। फ्रेंड्स, हम यहाँ पे क्रोम ब्राउजर को खोल देते हैं। तो चलिए, यहाँ पे हम इस पर क्लिक करते हैं। सो जैसे कि फ्रेंड्स आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे मोबाइल खोल लिया है। यहाँ पे मैंने गूगल क्रोम ब्राउजर भी खोल लिया है, इसमें गूगल भी खोल लिया है। इसके बाद फ्रेंड्स आपको इसे डेस्कटॉप मोड पे लगा लेना है। तो देखिए, आप यहाँ पे ऊपर आपको 3 डॉट दिखेंगे। आपको फ्रेंड्स इन डॉट पे क्लिक करना है, और यहाँ पे क्लिक करने के बाद देखिए नीचे आना है और डेस्कटॉप साइट पे चकमा लगा देना है। फ्रेंड्स, अब आप ये देख पाएंगे ये आपका जो भी आएगा ये डेस्कटॉप मोड में आएगा। अब फ्रेंड्स देखिए, आपको यहाँ पे एक साइट को सर्च करना है जिसका नाम है ई डिस्ट्रिक्ट। चलिए, हम यहाँ पे लिख देते हैं ई डिस्ट्रिक्ट। और फ्रेंड, ई डिस्ट्रिक्ट लिखने के बाद आपको क्या करना है, ई डिस्ट्रिक्ट को सर्च करना है। चलिए, हम सर्च कर लेते हैं। अब फ्रेंड देखिए, यहाँ पे जो आपके सामने पहली वेबसाइट आएगी उसे आपको यहाँ पे खोल लेना है। चलिए, हम यहाँ पे पहली वेबसाइट को खोल लेंगे। फ्रेंड्स, वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा तो आप वीडियो को शुरू से लेके अंत तक देखें, तभी आपको यहाँ पे ये चीज समझ में आएगी और 10 रुपए में आप अपने यहाँ पे आय प्रमाण पत्र बना पाएंगे। इसके बाद देखिए फ्रेंड्स, आपको यहाँ पे ऊपर आना है। और फ्रेंड देखिए, आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिखाई देगा जिसका नाम है सिटीजन लॉगिन। आप ध्यान से देख लीजिएगा फ्रेंड्स, यहाँ पे लिखा हुआ है सिटीजन लॉगिन। आपको इसके ऊपर जो है क्लिक करना है। चलिए, हम क्लिक कर देते हैं। फ्रेंड, जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, देखिए आपके सामने एक और जो है नया पेज खुल जाएगा कुछ इस प्रकार से। अभी फ्रेंड्स आप यहाँ पे ध्यान से देख लीजिएगा। तो फ्रेंड्स, आपको देखिए यहाँ पे नीचे आना है, और फिर नीचे जैसे आप यहाँ पे आएंगे तो देखिए आपको इस प्रकार से जो है ये लॉगिन की एक विंडो दिखाई देगी। फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए आपका यूजर आईडी और पासवर्ड अगर पहले से बना है तो आप आईडी और पासवर्ड डाल के यहाँ पे सीधा सबमिट करें और लॉगिन करें। लेकिन फ्रेंड्स, अगर आपका पहले से नहीं बना है तो देखिए यहाँ पे आपको नया रजिस्ट्रेशन करने के लिए भी ऑप्शन दिया है, नवीन उपयोगकर्ता पंजीकरण। आप ध्यान से देख लें, आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। तो चलिए, हम इसके ऊपर क्या करते हैं, क्लिक करते हैं और आपको बताते हैं कि आपको रजिस्ट्रेशन करना कैसे है। फ्रेंड, जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं तो क्लिक करने के बाद आपके सामने एक जो है रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुल जाएगा कुछ इस प्रकार से। आप फ्रेंड ध्यान से देख लीजिएगा, यहां पे देखिए आपको एक लॉगिन आईडी बनानी है। फ्रेंड, लॉगिन आईडी आप ऐसी बनाएंगे जो कि पहले से यहां पे ना बनी हो, क्योंकि वो एक यूनिक आईडी होनी चाहिए। आप यहां पे उपलब्धता की जांच करने पे क्लिक करके वो चेक कर सकते हैं कि वो यहां पे है या नहीं है। जैसे कि फ्रेंड्स, मैं एग्जांपल के लिए दिखा देता हूं। जैसे कि मैं यहां पे बनाता हूं विकास भाई 123। तो फ्रेंड यहां पे देखिए ये नहीं ले रहा है, मैं दूसरी बना लेता हूं बी के 12 32 82, और मैं उपलब्धता की जांच पे क्लिक करता हूं। अगर फ्रेंड्स ये होगी तो देखिए यहां पे दिखा देगा यह लॉगिन आईडी प्रयोग हेतु उपलब्ध है, यानी कि इस आईडी को मैं प्रयोग में ले सकता हूं। मैं ओके कर दूंगा फ्रेंड्स। इसके बाद फ्रेंड देखिए, आपको यहां पे आवेदक का नाम देना है जिसके नाम से आप आईडी बना रहे हैं। जैसे कि देखिए, मैं यहां पे नाम दे देता हूं एक विकास। उसके बाद फ्रेंड्स यहां पे आपको अपनी जन्मतिथि चुन लेनी है, जो भी आपकी जन्मतिथि है। तो फ्रेंड्स यहां पे देखिए आप क्या करेंगे, अपनी जन्मतिथि चुन लेंगे। तो देखिए इस प्रकार से आपकी जन्मतिथि आ जाएगी। उसके बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ पे जो है जेंडर चुनना है,
उसके बाद यहाँ पे आपको अपना कंप्लीट एड्रेस लिखना है, जो भी आप भर दें, मैं गलत भर रहा हूँ लेकिन आप यहाँ पे सही भरें। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे आपको अपना पिन कोड देना है, तो जो भी आपका पिन कोड है वो आप यहाँ पे ध्यान से भरेंगे फ्रेंड्स। जी हाँ, आपको यहाँ पे ध्यान से पिन कोड भरना है। उसके बाद फ्रेंड्स आपको देखिए यहाँ पे चयन करें के ऊपर क्लिक करना है, तो यहाँ पे फ्रेंड जो भी आपका जिला है वो यहाँ से आप अपना जिला ध्यान से जो है चयन करेंगे। उसके बाद फ्रेंड्स आपको नीचे यहाँ पे मोबाइल नंबर देना है, ईमेल आईडी देनी है और यहाँ पे कैप्चा कोड भरना है और सुरक्षित करें पे क्लिक करना है। जैसे फ्रेंड्स आप सुरक्षित करेंगे तो आपका यहाँ पे एक यूजर आईडी बन जाएगा, एक पासवर्ड बन जाएगा। फ्रेंड यूजर आईडी आपका ये ऊपर वाला ही रहेगा, पासवर्ड आपको वन टाइम आपके मोबाइल पर भेज दिया जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स जैसे वो पासवर्ड आपके पास आता है तो आपको उससे लॉग इन करना है और लॉग इन करने के बाद अपने पासवर्ड को चेंज कर लेना है। फ्रेंड्स ये सब मैं पहले ही कर चुका हूं तो मैं सीधा आपको अपनी आईडी और पासवर्ड से लॉग इन करके दिखाता हूं। सो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरा यूजर आईडी पड़ा हुआ है, नीचे मेरा पासवर्ड पड़ा है, यहाँ पे मुझे ये कैप्चा कोड भरना है और सबमिट के बटन पे क्लिक करना है। तो देखिए मैं यहाँ पे ये कैप्चा कोड जो है फटाफट फिल कर लेता हूँ फ्रेंड्स। फ्रेंड्स मैंने कैप्चा भर लिया है, अब मैं यहाँ पे सबमिट के बटन पे क्लिक करूंगा और इसे लॉग इन करूंगा। इसके बाद फ्रेंड देख सकते हैं जो मेरी आईडी है वो यहाँ पे लॉग इन हो चुकी है। अब फ्रेंड देखिए जैसे ही आपकी आईडी लॉग इन होती है तो आपको यहाँ पे सर्विसें दिखाई देने लगती हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए आपको काफी सारी सर्विसें मिल जाती हैं जिन्हें आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो फ्रेंड देखिए यहाँ पे पहला ऑप्शन है आवेदन भरें, आपको यहाँ पे क्लिक करके ही अपना आवेदन पूरा करना है। जैसे कि फ्रेंड देखिए मैं यहाँ पे आवेदन करने पे क्लिक करता हूँ, तो फ्रेंड जैसे हम इस पे क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे हमारे सामने आवेदन की एक बड़ी सूची आ जाएगी। तो यहाँ पे फ्रेंड देखिए चयन करें पे क्लिक करके मैं अपना आवेदन चुनूंगा। सो फ्रेंड्स हमें यहाँ पे आय प्रमाण पत्र बनाना है तो हम यहाँ पे आय प्रमाण पत्र पे क्लिक करेंगे और उसके बाद फ्रेंड देखिए इस प्रकार से ये नीचे एक लिंक आ जाएगी, आय प्रमाण पत्र आवेदन पे क्लिक करें। तो हमें इस पे क्लिक करना है तो हमारे सामने आय प्रमाण पत्र बनाने के लिए एक आवेदन फॉर्म खुल जाएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए जैसे ही आपके सामने ये फॉर्म खुल जाता है तो आपको इस फॉर्म को कंप्लीट भरना है। जैसे कि फ्रेंड देखिए यहाँ पे सबसे पहले प्रार्थी का नाम आएगा, तो जिसका आप यहाँ पे आय प्रमाण पत्र बना रहे हैं उसका आपको यहाँ पे नाम देना है। उसके बाद फ्रेंड उनके पिता का नाम आएगा, उसके बाद देखिए यहाँ पे आपको नीचे आना है, माता का नाम देना है, उनका वर्तमान पता, मोबाइल नंबर, पूरा एड्रेस, उनका व्यवसाय, उनके परिवार का विवरण। फ्रेंड्स कम से कम यहाँ पे एक का विवरण आपको देना जरूरी है और एक श्रेणी भरनी आपको जरूरी है। उसके बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ पे उनकी इनकम बतानी है कि कितनी उनकी इनकम है। तो फ्रेंड्स ये सारी जानकारी आप स्टेप बाय स्टेप भर देंगे। उसके बाद फ्रेंड्स आपको नीचे आना है और परिवार की कुल वार्षिक आय क्या है वो आपको यहाँ पे बता देनी है। उसके बाद फ्रेंड्स अगर इसके पहले कोई आय प्रमाण पत्र जारी हुआ है तो आपको हाँ करना है और यहाँ पे उसका नंबर डालना है। लेकिन फ्रेंड्स अगर कभी कोई जारी नहीं हुआ है तो आपको यहाँ पे नहीं रहने देना है। उसके बाद फ्रेंड्स आपको नीचे आना है और यहाँ पे देखिए आपको आवेदन शुल्क के भुगतान के बारे में बताना है कि यहाँ पे उन्होंने भुगतान कर दिया है या नहीं किया है। सो फ्रेंड जब आप सारा फॉर्म भर लेते हो तो आपको नीचे आना है। फ्रेंड नीचे आने के बाद देखिए यहाँ पे आपको अपना आधार नंबर डालना है। आधार नंबर भरने के बाद आपको प्रमाण पत्र बनवाने का कारण चुनना है, तो छात्रवृत्ति हेतु आप यहाँ पे कारण चुन सकते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स आपको देखिए यहाँ पे नीचे आना है और डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए आपको बताना है क्या क्या अपलोड कर रहे हैं। तो सबसे पहले फ्रेंड्स आपको यहाँ पे पासपोर्ट साइज फोटो अपलोड करना है जिसका साइज 20 KB से कम का होना चाहिए। तो 20 KB के अंडर में आप यहाँ पे एक अच्छा पासपोर्ट साइज फोटो अपलोड करें। उसके बाद फ्रेंड्स आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। तो फ्रेंड्स आय प्रमाण पत्र बनाने के लिए आपको अपना राशन कार्ड अपलोड करना होगा, बिजली का बिल है तो आप वो अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स अगर आपके पास वेतन पर्ची है तो वो अपलोड कर सकते हैं। उसके अलावा फ्रेंड्स आपको यहाँ पे अपना एक आधार कार्ड तो अपलोड जरूर करना है। तो फ्रेंड्स जो मैं आपको बताऊँ, जैसे आधार कार्ड हुआ आपका और आपका एक राशन कार्ड हुआ, अगर ये आप अपलोड कर देंगे तो आपका यहाँ पे जो आय प्रमाण पत्र है वो बन जाएगा। तो फ्रेंड्स आप यहाँ पे फोटो, राशन कार्ड, आय प्रमाण पत्र या वेतन पर्ची या अन्य आपके पास कुछ है तो वो आप यहाँ पे अपलोड कर दें। तो फ्रेंड्स आपको 3 डॉक्यूमेंट अपलोड करना यहाँ पे जरूरी है। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए आपको एक लिखा है स्व प्रमाणित घोषणा पत्र।
तो फ्रेंड्स आपको यहाँ पे एक स्वप्रमाणित घोषणा पत्र अपलोड करना होता है। तो फ्रेंड्स वो मैं आपको दिखा देता हूँ कैसा होता है। सो फ्रेंड्स आप इस प्रकार से देख लीजिए, ये आपका घोषणा पत्र होता है। देखिए यहाँ पे लिखा है स्वप्रमाणित घोषणा पत्र। यहाँ पे फ्रेंड्स आपको नाम डाल देना है उनका जिनका आप यहाँ पे आय प्रमाण पत्र बना रहे हैं। इसके बाद फ्रेंड्स उनके पिता का नाम यहाँ पे आता है, यहाँ पे उम्र, वर्ष, व्यवसाय, निवासी, और फ्रेंड्स यहाँ पे यही सारी जानकारी आती है। यहाँ पे उनका नाम आता है, फिर से यहाँ पे स्थान, दिनांक, आवेदक के हस्ताक्षर और आवेदिका का नाम जो भी है फ्रेंड्स यहाँ पे आपको भर देना है। फ्रेंड भरने के बाद आपको इसे वहां पे अपलोड करना होता है। तो फ्रेंड्स ये सारे डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करने होते हैं जो कि मैंने आपको बताए हैं। फ्रेंड्स ये जो घोषणा पत्र है इसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। और फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं, जो भी आप यहां पे डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे उनका साइज 100 KB से कम का होना चाहिए। तो फ्रेंड्स ये सब कुछ यहां पे आप करने के बाद दर्ज करें पे क्लिक करें और यहां पे आवेदन को सबमिट कर दें। फ्रेंड्स जैसे आप यहां पे इसे सबमिट करेंगे तो ये आपको पेमेंट के पेज पे ले जाएगा जो कि मैं आपको दिखा देता हूं। सो फ्रेंड देखिए जब आप फॉर्म भर देते हैं तो नीचे का ऑप्शन आता है सेवा शुल्क भुगतान के लिए, यहां क्लिक करें। आपको फ्रेंड इसके ऊपर जो है क्लिक करना है और यहां पे इसका पेमेंट करना होता है। चलिए हम इस पे क्लिक करते हैं। अब फ्रेंड्स आप देख सकते हैं ये आपके सामने पेमेंट का पेज आ गया। यहां पे आपका एप्लीकेशन नंबर दिख रहा है फ्रेंड्स, और यहां पे देखिए आपको 10 रुपया इसका भुगतान करना होता है इसे बनाने के लिए। इसके बाद फ्रेंड्स आप देख सकते हैं ये आपके सामने डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, किसी के भी माध्यम से आप यहाँ पे इसका ऑनलाइन पेमेंट कर दीजिए। तो फ्रेंड जैसे आप यहाँ पे इसका पेमेंट कर देते हैं तो आपका जो आवेदन है वो सफलतापूर्वक कंप्लीट हो जाता है। फ्रेंड्स आवेदन कंप्लीट होने के बाद अब आपको यहाँ पे इंतजार करना है 5 से 10 दिन का। जी हाँ फ्रेंड्स, ये जो आपका आय प्रमाण पत्र है 5 से 10 दिन में वेरिफिकेशन होने के बाद आपको इसी आईडी में प्राप्त हो जाता है। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि कहां से आपको इसे डाउनलोड करना है। उसके बाद फ्रेंड देखिए आपको फिर से इसी आईडी में आ जाना है। तो फ्रेंड्स आप आईडी में आने के बाद देखिए यहां पे लिखा है निस्तारित आवेदन। फ्रेंड्स आप ध्यान से देख लीजिए यहाँ पे निस्तारित आवेदन लिखा हुआ है, आपको इस पे क्लिक करना है। सो फ्रेंड्स आपको यहाँ पे उन सभी आवेदन की सूची दिख जाएगी जो कि आपके तैयार होके आ चुके हैं। यहाँ पे फ्रेंड्स आप उनको डाउनलोड भी कर पाएंगे। फ्रेंड देखिए यहाँ पे हमारे सामने बहुत सारे कास्ट सर्टिफिकेट आ गए, ये देखिए हमने इतने यहाँ पे बनाए हुए हैं। अभी फ्रेंड जिस नंबर पे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे उसका कास्ट सर्टिफिकेट नीचे डाउनलोड हो जाएगा। सो फ्रेंड इस प्रकार से आप बड़ी ही आसानी से अपने मोबाइल से आय प्रमाण पत्र बना सकते हैं। फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो इसे शेयर कर दीजिए, लाइक करिए और साथ ही साथ हमारे सिंधी बर्ड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। फ्रेंड्स मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, आपका दिन शुभ रहे।